कहानी मोनिका की जुबानी। मैं अपने भाई के दोस्त क्रिश से प्यार करने लगी, लेकिन फिर क्रिश यह कहकर मेरा दिल तोड़ दिया कि यह सब एक नाटक है। और ऐसे हालत में मैं अंधेरे सड़कों में भटक रही थी कि तभी दीपक ने मुझे लिफ्ट दिया था। दीपक मेरे कॉलेज का था जो मुझे हाई स्कूल से जानता था, पर फिर मुझे एहसास हुआ दीपक ही वही साइकोपैथ है जिसने मेरी इज्जत लेने की कोशिश की थी। वह मुझे किडनैप कर लिया। किसी तरीके से मेरा भाई अविनाश मुझे उस घर से आजाद करके बॉस्टन के टेक्सास में लेकर आ गया था, पर क्रिश भी वहाँ मेरे पीछे पीछे आया, मुझसे माफ़ी मांगा, कहा कि मुझे बहुत प्यार करता है, पर मैंने उसके दिल को यह कहकर कुचल दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करती। उस पर इसका इतना असर पड़ा कि वह बारिश में रात भर बाहर था और फिर मुझे घर से बाहर बेहोश पड़ा मिला। मैं चौंक गई जब मेरे भाई ने उसे घर के अंदर आने को कहा। फिर पता चला कि दीपक पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है और अब मेरे पीछे था। मेरा भाई जब ऑफिस जाने लगा, उसने क्रिश को मेरी हिफाजत के लिए घर पर रखा था। एक छत के नीचे मैं अपने जज्बात कैसे काबू कर पाऊंगी? मैं उसे नहीं जताना चाहती थी कि मैं उसके लिए क्या महसूस करती हूं, क्योंकि इससे मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मैंने अपने लिए कुछ सोचा था। आज सुबह मैंने सोचा कि मैं क्रिश से बिल्कुल कम संपर्क रखूंगी, जैसे कि कल सारा दिन मैंने किया था। जितना मैं उससे दूर रहूंगी उतना ही कम उलझेगा। मैं बस खाना बनाने के लिए नीचे जाती थी और बाकी दिन अपने कमरे में अपने भविष्य की योजना बनाती थी। मैं क्रिश के लिए एक कप कॉफी लेकर जा रही थी कि तभी अविनाश दौड़कर मेरी ओर आने लगा। वह हमेशा जल्दी में रहता था। मैं अभी सोचती हूँ कि मुझे नौकरी मिलेगी तो क्या मैं भी उसकी तरह ही रहूंगी? मैं निकल रहा हूँ, उसने कहा, जिससे हम दोनों ने सिर हिलाया। कुछ बेवकूफ़ी भरा काम मत करना क्रिश, उसने कहा, जिससे क्रिश ने अपनी आंखें घुमाई और मैं ब्लश करने लगी। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करने लगा और दौड़कर फिर आ गया, कहा मैं अपनी वॉलेट भूल गया, गरजता हुआ ऊपर गया। मैं थोड़ा सा हंसी और अपना सर हिलाते हुए क्रिश को कॉफ़ी दी, कहा ये लो। थैंक्स, उसने कहा और हमारी उंगली गलती से छू गई। एक बेवकूफ़ लड़की की तरह इतने छोटे से स्पर से मैं बिदक उठी और काफ़ी उसके ऊपर गिरी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने कहा कि वह खड़ा हो गया। हे भगवान, इतना गर्म चीज़ उसके ऊपर गिरा, उसकी त्वचा जल रही होगी। कोई बात नहीं, उसने कहा। मैं उसकी तरफ बेवकूफ़ों की तरह देखने लगी। वह वहाँ से उठकर गेस्ट रूम के बाथरूम की ओर गया। जैसे ही मैं ऊपर जाने लगी, मैं अविनाश से टकराई। सब ले लिया ना, मैंने अपनी भौं ऊंची की। तुमसे मिलता हूँ मोनिका, कहकर वह दौड़ने लगा। मेरी ओर देखा तक नहीं था। मैं सोचने लगी उसका बॉस कैसा होगा, शायद कोई बिलीनियर हो जो काफी गुस्से वाला हो, ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता होगा, एक दृष्टि से सारे एम्प्लॉय को खुद के अंडर रखता होगा। मैं ऊपर जा रही थी तब अविनाश के कमरे में टीवी ऑन थी। मैं हल्का सा मुंह दबाकर हंसी और फिर टीवी बंद किया। खिड़की से देखा तो उसकी कार निकल रही थी। सांस छोड़ते हुए मैं वापस मुड़ी, पर मेरे सामने जो नजारा था वह मुझे अंदर तक हिला दिया कि मैं हाथ की प्लेट नीचे गिरा दी जो मैंने पकड़ा था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा दिल रुक गया था, डर मुझे निगल लिया था और मैं सोच नहीं पा रही थी। मेरे पैर कांप रहे थे और मुझे नहीं पता वह कब मेरा साथ छोड़ने वाले थे। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे देखा, दीपक। वह बिल्कुल गंदगी लग रहा था, फटे हुए कपड़े और पैंट के साथ सबसे भयंकर चीज उसका चेहरा था। अभी बुरी तरीके से चोटिल था और घाव बने हुए थे, सबूत है क्रिश के गुस्से का। उसकी जरूरत दीपक को मारने की। दीपक, मैं घुटने लगी, कैसे मैं हकलाने लगी, उम्मीद करने लगी कि यह बस एक डरावना सपना हो, कि मैं जल्दी जग जाऊं। मेरा दिमाग शब्द बनाने के लिए जूझने लगा। तुम यहाँ अंदर कैसे आ सकते हो? एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर रेंगने लगी, जिससे मैं और डर गई। गधे अविनाश का शुक्रिया, उसके कार का जो काफी अच्छी है। मुझे थोड़ा समय लग गया यहाँ तक आने में, मैं हकलाते हुए हाँफने लगी। उसके शब्द से मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े होने लगे। मैं अविश्वास से सर हिलाने लगी, मेरे आंखों में आंसू बनने लगे। तुम्हें पता है मोनिका, वह फुफकारा, आवाज में इतनी जहर थी, अगर मुझे पता होता कि तुम भाग जाओगी तो मैं तुम्हें वहीं पर उसी वक्त अपना बना लेता। उसके शब्द सब कुछ बयां कर रहे थे कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है कि मुझे उससे दूर किया गया, ठीक उसी समय जब उसने सोचा था उसने मुझे पा लिया है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने शपथ ली है कि मेरा स्वाद लेगा। क्रिश, मैं चिल्लाई, जिससे दीपक पीछे हटा। क्रिश, उसने उपहास किया, उसके शब्दों में नफरत साफ झलक रही थी। बेवकूफ लड़की, वह यहाँ से मीलों दूर है और तुम्हारा बेवकूफ भाई भी यहाँ नहीं है, बस तुम और मैं हूँ, बस दो लोग,
और मैं इंतजार नहीं कर सकता आखिरकार अपने अधूरे काम को पूरा करूं। उसने अपने जीभ को अपने होठों में चलाया और मैं पीछे हटी और खिड़की से टकराई। तुम गलत हो क्रिश, यहाँ है और वह एक बार तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें जान से मार देगा। लेकिन मुझे याद आया कि फिलहाल तो क्रिश नीचे वाले बाथरूम में है, क्या मेरी आवाज सुन पाएगा? मैंने दोबारा से चिल्लाया, क्रिश। अब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अभी तुम, मैं बताता हूँ, दीपक ने उगला, मेरी तरफ आने लगा और मैं दौड़कर अविनाश के नाइट स्टैंड के पास गई जहाँ वह बंदूक रखा था। मैंने ड्रॉअर खोला और गन निकाल ली। इससे पहले कि मैं मूर्ति और दीपक पर निशाना साधती, वह मेरे शरीर पर टूट पड़ा, मेरे हाथ को धक्का दिया और बंदूक उसके गिरफ्त में आ गई। मेरी दुनिया मानो थम गई। मेरा दिल किसी ड्रम की तरह सीने में बजने लगा जो मेरे कानों तक सुनाई दे रहा था। क्रिश दौड़कर दरवाजे तक आया, हांफ रहा था, उसके चेहरे पर खौफ थी, पर बहुत देर हो गई थी। दीपक को झटका लगा जब उसने क्रिश को देखा और बचने के सबसे पहले कोशिश में उसने यह की कि मुझे अपने करीब खींच लिया। वह कसकर मेरे गर्दन को पकड़ लिया। मैं खौफ खा गई जब उसने बंदूक को मेरे सर पर रखा और क्रिश के चेहरे का रंग उतर गया, वह पीला पड़ गया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसने देखा दीपक ने मेरी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। दीपक ने क्रिश के अंबर आंखों के खौफ को गौर फरमाया। वह ठीक एक लुनेटिक की तरह हंसा, जो कि वह है। वक्त आ गया है क्रिश, जो तुमने किया है उसकी कीमत चुकाओ। क्या तुम्हें लगता है कि इस चेहरे के साथ एक जिंदगी जी पाऊंगा? उसने उपहास किया। हो सकता है तुम्हें मैं नरक में पहुंचा दूं। धीरे धीरे उसने बंदूक को मेरे सर से दूर किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीपक ने बंदूक को क्लिक किया जिससे बताया कि गोली चलने को तैयार है। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। नहीं वो नहीं प्लीज, मेरे मुंह से आवाज निकलने लगी और मैं रोने लगी जब उसने बंदूक से क्रिश को निशाना बनाया। कहानी अविनाश की जुबानी। मैं ड्राइव करके जा रहा था कि तभी मेरा फोन डैशबोर्ड में बजा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई जब मैंने देखा किसका फोन था। खुशबू। मैंने स्पीकर का बटन ऑन किया और उसकी आवाज गूंजने लगी। गुड मॉर्निंग अविनाश। मैं लगभग अपनी जीभ काटने वाला था ताकि मैं खुद को रोक सकूं जो मैं अगला शब्द कहने जा रहा था, पर वह भाड़ में जाए। मैंने फैसला किया कि मैं खुद को एक मौका दूं। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। मुझे पता है वह इस बात को दूसरी लड़कियों की तरह नहीं लेने वाली। यह जानकर मेरे चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई। तुमने अपना सर कहीं दे मारा है या फिर क्या? उसने कहा और मैं कल्पना करने लगा वह अपनी आंखें घुमा रही होगी। ठंड रखो। मैं मुंह दबाकर हंसा। कितना अच्छा तरीका है दिन को शुरू करने का। सुबह की यह जल्दबाजी सब कुछ अचानक से गायब हो गई जब मैं उसकी आवाज़ सुनी। मैं खुशबू को पसंद करता हूँ। सब सोच रहे होंगे कि यह बिल्कुल बेकार बात है क्योंकि मैं हमेशा ही लड़कियों को पसंद करता हूँ। मैं लड़कियों को कब पसंद नहीं किया? और मेरा नाम एक प्लेयर के रूप में खुशबू तक भी पहुंच गया है। मैं यहाँ जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह यह है कि मैं सच में खुशबू को पसंद करता हूँ। और हाँ, यह बहुत ही धीरे से और ध्यानपूर्वक लेकर जा रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ वह हमें बेस्ट फ्रेंड कहने के अलावा और आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो मैंने कौन सा अच्छा काम किया है कि मुझे सुबह की फ़ोन मिला? मैंने उसे खेल खेल में पूछा। मैं सुन रहा था, वह सांस छोड़ी। हम सब यहाँ खड़े हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि मॉर्निंग प्रेजेंटेशन का ब्रीफिंग करो। एक मिनट में पहुँचता हूँ, कहकर मैं लाल बत्ती में गाड़ी रोकी और थोड़ा सा ग्लानी भी होने लगा। टीम लीडर होने के हैसियत से मुझे थोड़ा पहले पहुंचना चाहिए था। सच बात तो यह, कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था इसलिए मैं काफ़ी देर से उठा। कोई चीज़ मुझे अस्थिर कर रही थी, मुझे यह भी नहीं पता क्या चीज़, पर मेरा अनुमान है यह दीपक के फरार होने से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो। ओके, खुशबू ने कहा, पर तुम्हें पता है हमारे बॉस कैसे हैं? इतने टेक्निकल है कि कोई गलती उनकी नज़र से छुपती नहीं, कोई भी उनसे छुप नहीं सकता। अगर उन्हें कोई गलती मिल गई तो कहकर वह मुंह दबाकर हंसी, पर मुझे यह परेशान नहीं कर रहा था। जब यह सुना कोई छुप नहीं सकता, अंदर की एक जज्बात को जगा दिया जिससे मैं सारी रात अस्थिर था। यह नामुमकिन है, लेकिन मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए जब मैं सबसे भयंकर दृश्य की कल्पना की जो हो सकता है। मैं अपने सिर को पीछे मोड़ी और पहली सीट देखी, कुछ भी नहीं था। दूसरी सीट में भी कुछ नहीं था और तीसरी सीट उसके नीचे कीचड़ लगा हुआ था। कल रात यह ध्यान नहीं दिया था क्योंकि अंधेरा था। मेरा दिमाग सटक गया था। मैंने तुरंत अपनी कार को मोड़ा जिससे दूसरे कार वाले हॉर्न बजाने लगे। खुशबू, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अभी पुलिस को फोन करो और मेरे घर पर आने को कहो, मैंने आदेश दिया। वह कुछ देर के लिए निर्वाक हो गई, फिर पूछा, क्या हो रहा है अविनाश? उसकी आवाज़ में चिंता थी। मैंने उसे दीपक के बारे में बताया था। उसे समझ आ चुका था कि अभी क्या हो रहा है। मुझे मत बताओ, वह घुटने लगी। शिट, मैंने पहले इस
बात का एहसास क्यों नहीं किया, अब मैं पागलों की तरह कार चलाकर जाने लगा, यही प्रार्थना करने लगा वह दोनों ठीक हो। उसकी आवाज़ अभी मेरे फोन में गूंज रही थी पर अब बिल्कुल चित्कार थी। कहानी मोनिका की जुबानी। मैं लगभग रो रही थी जब बंदूक का निशाना क्रिस की ओर था। प्लीज दीपक यह मत करो, मैं भीख मांगने लगी। क्रिस का जबड़ा टाइट हो गया, उसकी आंखें दीपक को चुभ रही थी पर दुर्भाग्यवश वह नहीं था जिसके पास गन थी। प्लीज, मैं टूट कर फुसफुसाई। अब और ज्यादा आंसू मेरे आंखों से बहने लगे थे। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, जो तुम चाहते हो। मैं रोने लगी, मेरी आवाज घुटने लगी थी। बस उसे मत मारो, मैं भीख मांगी। उसके बाजू को पकड़कर जिसे उसने मेरे गर्दन के पास मोड़ रखा था, दिमाग पागल हो रहा था यह सोचकर कि वह क्रिश को किसी भी वक्त मार डालेगा। दीपक ने उपहास किया, क्या सच में मोनिका? कुछ भी, उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी, शरारत से भरपूर थी, जिससे मैं पीछे हटी। मैं अपना सिर हिलाया, कुछ भी, मैं फुसफुसाई। मोनिका, क्रिश ने चेतावनी दी, उसकी आवाज खतरनाक थी, मुट्ठियों को साइड में भींच रखा था जो कांप रही थी। तो तुम मुझे खुश करने की कोशिश क्यों नहीं करती? जब वह देख रहा है, जैसे ही दीपक ने यह वाक्य पूरा किया, मैं और जोर जोर से रोने लगी। पता था कि वह ऐसा ही कुछ बोलेगा। यह साइकोपैथ यह देखकर खुश होगा कि मेरी दुनिया टुकड़ों में बिखर गई, खासकर क्रिस की दुनिया। क्रिस दीपक के साथ जो किया था उसके बाद, क्रिस की आंखों में गुस्सा और डर की भावना मिश्रण से भर गया, उसमें आंसू आने लगे। दीपक ने गौर फरमाया, काफी मजेदार है। दीपक ने कहा, यह काफी मुश्किल होगा, देखना मैं कि जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो वो तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रही है। जिस तरह से दीपक सारे शब्द कह रहे थे, पता चल रहा था कि वह इसके मजे ले रहा है। घुटने के बल झुको मोनिका, उसने ऐसे कहा। मेरी दुनिया टूट कर बिखरने लगी, झुको, उसने आदेश सुनाया और मैं कांपते हुए वह करने लगी वह जो मुझसे करने को कहा था। नहीं, क्रिस चिल्लाया, और जैसे ही वह हमारी ओर लपकने वाला था, दीपक ने ट्रिगर दबा दी और मैं चीखी और क्रिस की ओर अपना सर घुमाया, यह देखने के लिए कि उसका बाया कंधा घायल हुआ था। यह घुटने के बल गिर गया और कराहने लगा, उसके जख्म से खून निकलने लगे थे। नहीं प्लीज, मैं चिल्लाई, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा रोना शुरू हो गया दीपक के सामने। कम ऑन मोनिका, तुम अगर वह जल्दी से नहीं करोगी जो मैं चाहता हूँ तो फिर से ट्रिगर दबा दूंगा। दीपक फुफकारा, अपने बंदूक को फिर से क्लिक करने के बाद कहा, तो पक्का है ना कि तुम उसे खून के पूल में नहाता हुआ नहीं देखना चाहती? अविश्वास के साथ उसे देखने लगी। एहसास हुआ कि मेरा दिल बुरी तरीके से कुचला गया, कि मैं अवाक हूँ कि यह कैसे धड़क रहा है। अपने कपड़े उतारो, दीपक ने फिर से आदेश जारी किया। मेरे होंठ कांपने लगे, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। धीरे धीरे मैं उसके सामने झुक गई। मैंने अपनी कार्डिगन उतारी और मेरे शरीर में बस एक टैंक टॉप था जिससे मेरा शरीर दिख रहा था। उन्माद कहीं के क्रिस फुफकारा और मैंने महसूस किया कि वो हमारी ओर आ रहा था। ठीक उसी समय दीपक ने एक और बार ट्रिगर दबाई। मैं उधर अपना सर घुमाया और मेरी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई। दूसरी गोली क्रिस के दाहिने कंधे पर लगी, उसकी दर्दनाक चीत्कार कमरे में गूंजी। अब मैं बिना किसी काबू के रोने लगी, मेरे सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। प्लीज उसे चोट मत पहुंचाओ, मुझे नहीं पता किस तरह से दीपक से भीख मांगनी पड़ेगी कि क्रिस को दोबारा शूट न करे। मैं प्रार्थना कर रही थी कि क्रिस चुपचाप खड़ा रहता। बेवकूफ आदमी, क्या तुमने अपनी गलतियों से सीख नहीं ली? दीपक नखरे की मुस्कान दी। वह दो गोलियां हैं जो तुम्हें लगी है। मेरा सर चकराने लगा, अंधेरा मुझे निगलने लगा। मुझे लगा कि मैं किसी भी वक्त अपना होश खो सकती हूँ। यह बहुत ज्यादा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इससे अच्छा वह मुझे मार देता। मोनिका, अचानक से अविनाश की आवाज आई जब वह दरवाजे के सामने खड़ा था, जिससे मैं असलियत में वापस आई। मेरे अंदर राहत महसूस हुई, वो वापस आ गया। दीपक बिदक उठा और मैं देख सकती हूँ यही मौका है, इससे पहले मैं कुछ कर पाती। क्रिस और भी तीव्र था, जहाँ दीपक अविनाश के आने से भटका हुआ था। क्रिस दीपक की ओर लपका और उसे खिड़की के खिलाफ धक्का मारा, जिससे दीपक का सर कांच से टकराया और उसके गले को दबाने लगा। पर दीपक एक हाथ ऊपर था क्योंकि क्रिस घायल था। उसने उसके कंधे को धक्का मारा, जिससे क्रिस दर्द से कराहने लगा और दीपक के गले में उसकी पकड़ ढीली हो गई। दीपक फिसल गया और इससे पहले कि अपनी बंदूक से निशाना बनाता, अविनाश उसकी ओर टूट पड़ा। गधे कहीं के कहकर दीपक के सर को दीवार से दे मारा।
उस हाथ को थाम लिया जिसमें उसने बंदूक पकड़ रखी थी। तुम्हें क्या लगा था मेरी बहन को चोट पहुंचाकर तुम बच निकलोगे? उसकी आवाज में जहर थी। अविनाश ने दीपक के पेट पर घुटने से लात मारा और दोनों लड़ने लगे, पर मेरा ध्यान उन दोनों से हटाया। जो कुछ भी मैं सोच पा रही थी वह कृष के बारे में था, जो दीवार से टिक कर बैठ कर हांफ रहा था। थाम कर रखो, मैं उसके कंधे को पकड़ कर कहा। उसका खून निकल रहा था। मैं अपना फोन निकाल कर तुरंत एम्बुलेंस बुलाने लगी। जो लेडी फोन पर बात कर रही थी बहुत मुश्किल से मैं कह पा रही थी। अपना पता देते हुए कहा, प्लीज जल्दी एम्बुलेंस भेज दीजिए, उसका बहुत खून बह गया है। आंसू से मेरा दम घुटने लगे थे। जब मैं फोन रखी मैंने देखा क्रिश मुझे देख रहा था। फिक्र मत करो मोनिका, उसने फुसफुसाया। हालांकि वह अपने आवाज के दर्द को छुपा नहीं पाया। मैं उसकी आंखों में देखी और अपने कांपते हुए उंगली उसके गालों में चलाने लगी। मत रो, उसने कहा, मैंने तुम्हें मेरे लिए बहुत रोते हुए देखा है। अपना सर हिलाने लगी, उम्मीद करने लगी वह बात करना बंद कर दे, क्योंकि इससे उसके जख्म को और नुकसान पहुंच सकता है। मेरे साथ रहो, मुझे नहीं पता वह बेहोश हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। एम्बुलेंस आ रही है। चारों तरफ पुलिस की कार की सायरन सुनाई देने लगी, जो घर को चारों ओर से घेर रखी थी। हम सुरक्षित होने वाले हैं। अविनाश दर्द से कराहने की आवाज मेरे कानों में आई, जिससे मेरा ध्यान खींचा। जब मैं सर घुमाई तो मैंने देखा वह नीचे गिर पड़ा था, अपने सर को पकड़ा हुआ था। और मुझे पता चला कि दीपक ने अपनी बंदूक से उसके सर में दे मारा था। अब अपनी आंखें मेरे और कृष की ओर घुमाई, मैं उसकी लुनेटिक आंखों में उसके आक्रोश को देख सकती थी। आंख बबूला हो गया था। उसे पता है कि अब उसका अंत नजदीक है। अब कोई रास्ता नहीं है कि वह पुलिस से बच सके। फिर उसके मुंह से जो शब्द बाहर आए, उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई भी नहीं पा सकेगा। उसके यह कहने के बाद सब कुछ स्लो मोशन में होने लगा। दीपक ने ट्रिगर दबा दिया। मेरे कानों से इतनी जोर से उसकी आवाज गूंजी जब उसने मुझ पर निशाना साधा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज ही वही दिन होने वाला है जब मैं मरने वाली हूँ। मैंने अपनी सांस रोक ली और वह दर्द सहने के लिए जो मेरी जिंदगी को मुझसे दूर ले जाएगा। दीपक से किसी चीज ने मुझे ढककर अलग कर लिया, कुछ गर्म। मैंने क्रिश के हाथों को अपने कंधे में महसूस किया जब मैं उसे अपने सामने गिरता हुआ पाया। आंखें चौड़ी हो गई जब मैं उसके सीने से खून निकलता हुआ देखा, जबकि वो बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था और फिर उसके आसपास बहने लगा ढेर सारे खून। यह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था जो मैंने कभी देखा था। मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया, सांस नहीं ले पा रही थी। भरी हवा मेरे फेफड़े से बाहर निकल गई थी। मैं व्याख्या नहीं कर सकती कि मेरे सामने क्या चल रहा था। तब भी जब आखिरकार पुलिस अंदर आकर दीपक को ले गई और हमें बचाया, हाथ कांप रहे थे जब मैं क्रिस के निर्जीव शरीर को छुआ। मेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं फुसफुसाई, कोई इसकी मदद करो। वहाँ एक पुलिस वाला था जो कि मेरी ओर झुका और उसके हाथ को पकड़ा। प्लीज सर, इसे बचा लीजिए, मैं हकलाई। वह मुझे सहानुभूति के साथ देखने लगा। कहा, अभी एम्बुलेंस आया है, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे मैडम। अविनाश दौड़कर मेरे पास आया। क्रिस को देखकर वह अविश्वास और खौफ उसके चेहरे पर फैल गई थी। अविनाश, मैं रोने लगी, उसके कंधे को हिलाया। वह हमें छोड़कर नहीं जाएगा ना, मैं टूटकर फुसफुसाई, जिससे अविनाश और कांपने लगा। कुछ नहीं कह पाया। उसके सामने के दृश्य को देखकर निर्वाक था। मुझे शांत करने के लिए कुछ कहने की जगह पर वह मुझे अपने करीब खींचकर हग कर लिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी, जो कि बहुत ज्यादा और माफी के अयोग्य था। पेशेंट की ट्रॉली को पकड़कर मैं दौड़ रही थी जब हम क्रिस को ओटी में ट्रांसफर कर रहे थे। मेरी आंखें उसके चेहरे पर गिरी जो काफी पीली थी। मेडिक्स उसको कमरे के अंदर लेकर आए। डॉक्टर ने हमारा अभिवादन किया। मेरी सांसें छोटी और तीव्र थी। अविनाश मेरे पीछे आकर हांफ रहा था। वह बहुत बुरी हालत में है, मुझे आपको पहले ही बताना होगा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और हमारी ओर देखा। उनकी आंखों में ग्लानि थी, जैसे कि वह हमें इस खतरनाक जानकारी दे रहा है। इसके बचने के आसार बहुत ही कम हैं। उनके शब्द मेरे दिल को छूरे जैसे था, पर हम पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर अपने आवाज में विश्वास लाते हुए कहा। जब उन्होंने दरवाजा बंद किया, मैं घुटनों के बल नीचे गिरी और टूट गई। महसूस किया अविनाश ने अपने बाजू से मुझे जकड़ रखा था। क्रिश की आवाज मेरे कानों में बजने लगी थी, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। और ज्यादा आंसू गाल से गिरने लगे। मेरे गले में एक बड़ी सी गांठ बनने लगी। मैंने सब खराब कर दिया, मेरा सीना टाइट हो गया। मैं उसे कसकर पकड़ा। तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं उतना ही ज्यादा रोने लगी
जितना। उसके शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो क्रिश? अब तक तुम्हें ठीक से जवाब नहीं दिया तुमने, अब तक उसे नहीं सुना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अगर तुम मुझे अब छोड़कर चले गए तो। क्या तुमने सुना? मैं नहीं करूंगी। घंटों बीत गए थे हमने अब तक। ऑपरेशन रूम से कुछ अच्छा नहीं सुना था। सर्जरी में इतना टाइम लग रहा था। मैं एकदम सुन पर रही थी। मैं प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। मॉम डैड न्यूयॉर्क से वापस आए, जैसे उन्होंने यह घटना सुनी वह एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और अब मैं यहाँ हूँ, मॉम के साथ बैठी हुई हूँ और वह मुझे आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मेरे बालों को सहला रही है जब मैं उसके कंधे पर अपना सर रखी हूँ। क्रिस के पेरेंट्स आए, जिससे हम तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने मिशिगन से फ्लाइट पकड़ी थी। वह पूरे विध्वंस लग रहे थे। उनके इकलौते संतान जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा था। मेरी माँ सबसे पहले उनके पास पहुँची। मेरी माँ हल्का सा कराही और क्रिस की माँ फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने उन्हें हक किया और उन्हें शांत करने के लिए अच्छे शब्द कहने लगी। वहीं क्रिस के डैड बोलने की क्षमता ही खो चुके थे। वह दीवार पर पीठ टिका कर बैठ गए और शून्य को खाली दृष्टि से देखने लगे। इससे मेरा गला और दुखने लगा। इतना तड़प रहे थे, मेरी वजह से नहीं होता तो क्रिस इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं होता, जहाँ उसकी जिंदगी मझधार में लटका है। मेरी वजह से उसे 3 गोलियां लगी, सब मेरी गलती है। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, जिससे हम सब तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। डॉक्टर दरवाजे पर खड़े थे। अपना मास्क निकालने के बाद सांस छोड़ी। इससे मेरा दिल तेजी से सीने में धड़कने लगा, यह सोचकर कि वह क्या कहने जा रहे हैं। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। हमने सर्जरी पूरी कर ली है, इसमें काफी समय लग गया 3 गोलियों को निकालने में। खतरा अभी टला नहीं है, उसकी आवाज में चिंता भरी थी। अभी भी उसको क्रिटिकल कंडीशन पार करना होगा, हमें इंतजार करना होगा। मुझे यह कहने में डर लग रहा है कि ऐसी हालत में उसकी आंखें खोलने के चांस 50-50% है, और तब तक हम उसे उसके कमरे में भेजेंगे। मेरा दिल डूबने लगा कि अब भी हो सकता है कि वह आंख न खोले, दोबारा मुझे कभी ना देखे, मुझसे बात न करे। मैं सुन सकती थी कि लोग डॉक्टर को थैंक यू कह रहे थे, पर मैं बिल्कुल सुन पर गई थी। मेरा दिमाग खाली था, मेरा दिल टूटा हुआ। अगर क्रिश कभी आंख नहीं खोली तो मैं क्या करूंगी? मैं कैसे जीऊंगी? मुझे नहीं पता मैं कितने घंटे अस्पताल में हूँ। रात से सुबह हो गई और उसका उल्टा, क्रिश अब तक नहीं उठा था। जितना टाइम लग रहा था उतना ही मुझ पर अत्याचार कर रहा था। हॉल से चलकर जब कमरे के पास आई, देखा उसकी माँ बिस्तर के सामने खड़ी थी। वह प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। मुंह से हल्की सी आवाज निकली, इससे मेरा दिल फिर से टूटकर बिखर गया। वह चलकर दरवाजे के पास आई, जिससे मैं बिदक उठी। मैं अभी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। कमरे के बाहर निकलते ही वह मुझे पाई और मैं निकलने लगी। महसूस किया कि वह मुझे देख रही है। मैं अबाक रह गई जब उसने एक मीठी सी मुस्कान दी और मेरे पीठ को थपथपाया। मैं खुद से नफरत करती हूँ कि मैंने नजरें हटा ली, और वह फिर चलकर वहां से निकल गई। नीचे देखने लगी और फिर मेरे अंदर कुछ हुआ। मैंने उन्हें कहा रुकिए, जब वह मुड़कर देखी मैं चकित रह गई। जब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चिल्लाई। मेरे पास आई और उनके चेहरे पर चिंता थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं फुसफुसाई। अगर मेरे वजह से नहीं होता तो वो अभी यहाँ नहीं होता। चुप हो जाओ बेटा, जल्दी से। मुझे अपने बाहों में ले लिया, मेरा पीठ थपथपाकर मुझे शांत करने लगी। यह कभी तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं दूर हटी और उनकी ओर देखा। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वह मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। घुटने लगी, वह मुझे इतनी जल्दी माफ कैसे कर सकती है? उनका इकलौता बेटा मेरी वजह से आज मृत्यु सज्जा पर है। उनकी आंखें नर्म हो गई, आंखों से आंसू झिलमिला रहे थे। इसका मतलब यह है कि वह तुमसे प्यार करता है मेरी बच्ची, और वह अभी कृतज्ञ महसूस कर रहा होगा कि उसने तुम्हारी जान बचाई। मैं अपना सिर हिलाते हुए रोने लगी और फिर मुझे वह याद आने लगा जब उसने स्वीकार किया था दूसरी बार। क्या सच में तुम विश्वास करती हो कि यह सब नाटक है? सच में तुम विश्वास करती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ मोनिका, मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। उसकी माँ मीठी मुस्कान दी। अब उसकी होंठ भी कांपने लगे थे, उनकी आंखों में प्यार और दया के भाव में देख सकती थी। मुझे बताओ मोनिका, क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? वह फुसफुसाई। क्या तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो? हाँ करती हूँ, मैं फुसफुसाई। मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। फिर से मुस्काई, उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे थे। वही मायने रखता है स्वीटहार्ट, कहते हुए मुझे हग किया और अपने कंधे में रोने दिया। मुझे पता नहीं मैं कितने लंबे समय तक क्रिस के पास बैठे उसके उठने का इंतजार कर रही थी। बारी बारी से उसके पास बैठते थे,
उसकी देखभाल करने के लिए, पर मुझे उसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं था। मैं आराम करने से भी इनकार कर रही थी। तुम्हें पहले कुछ खाना चाहिए मोनिका, अविनाश ने कहा। पास बैठा हुआ था अपना सर हिलाया। मुझे जरा भी भूख नहीं थी। अविनाश उठ खड़ा हुआ, मेरा पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। ठीक है, मैंने सर हिलाया तो वह मुझे छोड़कर कमरे से बाहर चला गया और अब मैं और क्रिश रह गए थे। धीरे से मैं क्रिश का हाथ पकड़ा और उसके हाथों को सहलाने लगी। हमेशा भगवान से प्रार्थना कर रही थी कोई चमत्कार कर दे। अपनी आंखें बंद की, उसे इस तरह से देखना मेरे ऊपर अत्याचार था। काश इसका उल्टा होता, मैं मरने वाली होती। वह नहीं, मैं शायद महसूस कर पाई थी। मेरा हाथ में एक हलचल, मोनिका, और वह एक शब्द मुझे अवाक कर दिया। अपनी आंखें खोली और मेरा दिल अपनी जगह पर जम गया जब मैंने देखा एक जोड़ा अंबर आंखें मुझे देख रही है। एक जोड़ा अंबर आंखें, मुझे एहसास हुआ कि मैं इन्हें कितना ज़्यादा मिस किया। मेरा दिल जज्बातों के बोझ से फटने को था। देख रही थी उसके होठ में एक हल्की सी मुस्कान आ गई, हालांकि वह काफी कमजोर थी। क्रिश, और आखिरकार मैं अपने अश्रु बहाने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो मैं देख रही थी। क्या यह सच है? क्योंकि अगर यह सपना होगा तो मैं कभी जागना नहीं चाहूंगी। क्रिश फिर से अपनी उंगली हिलाने की कोशिश की, अभी वह बहुत कमजोर है। मैंने उसके हाथों को सहलाया और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम उठ गए, मैं फुसफुसाई। मुझे अपनी तीव्र दृष्टि से देख रहा था। मुझे एक सपना आया था, उसकी आवाज अभी कमजोर थी और तुम मुझे पुकार रही थी कई बार। मैं अपनी उंगलियों से उसके गालों में हल्का चलाया और उसके आंखों के किनारे एक बूंद आंसू को पोंछकर हटा दिया। मैं सोच रहा था, वह रुका, उसकी आवाज कर्कश थी। क्या होगा अगर तुमने अभी मुझे माफ नहीं किया हो तो? ऐसे नहीं जा सकता था तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर, क्या मैं? मेरे होंठ कांप रहे थे, मैं आंसुओं से घुटने लगी। उसने मुझे देखा, मोनिका, वह भीख मांग रहा था, मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ किया उसकी वजह से माफ कर दो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाई। अपना सर हिलाने लगी, वह ऐसे भीख मांग रहा है जैसे मरने वाला हो। उसने खुद को कुर्बान कर दिया मुझे बचाने के लिए, उस हद तक कि वह खुद ही जिंदगी से हार बैठता। अब यहाँ मुझे माफी मांग रहा है, मुझे पता है मैं डिजर्व नहीं करता। बात को काटते हुए मैंने अपनी उंगली उसके होठों पर रखी, शब्द बंद कर दिए। वह सवाल पूछने की दृष्टि से मुझे देखने लगा। फिर मैं धीरे से नीचे झुकी और एक छोटी सी चुंबन उसको होठों पर दी। एक पल के लिए लगा वह पीछे हटा, लेकिन फिर मुझे चूमने लगा। हमारे चुंबन बहुत नरम और धीमी थी, जज्बात उसमें डाल दिए थे, उसके प्रति भावनाएं और मेरे प्रति उसका प्यार। जब हम अलग हटे उसकी आंखों में कई तरह के जज्बात थे। क्या इसका मतलब कि तुमने मुझे माफ कर दिया, उसने पूछा, और मैं कुछ कह न सकी। मेरे होंठ पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेवकूफ कहीं के, मैं कही। इससे वो सवाल पूछने की दृष्टि से मेरी ओर देखा, ऐसा क्यों किया? मेरी आवाज कांप रही थी, तुम गोली के ढाल बनके मुझे क्यों बचाया? तुम्हें पता भी है मैंने कैसा महसूस किया जब तुमने वह किया था। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाते तो मेरी हालत कैसी हो जाती। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी जब मैं उस दृश्य को याद कर रही थी। कृष्ण मुझे सहलाता हुआ शांत करने लगा, पर मैं नहीं गया, मैं यहाँ हूँ, उसने विश्वास दिलाया। किसी दूसरे तरीके से नहीं चाहता था, इसी वजह से मैं तुम्हें आज देख पा रहा हूँ। मैं अपने गले की गांठ निगलने लगी, मेरे बारे में क्या? मैं तुम्हें खो देती क्रिश, मैं तुम्हें फिर कभी, कहकर मैं आखिरी शब्द नहीं कह पाई। टूटते हुए हालत को देखकर उसने बैठने की कोशिश की और उसकी हालत को देखकर मुझे तकलीफ हो रही थी। इधर आओ कहकर वह मुझे अपने करीब खींच लिया और हम दोनों एक दूसरे को फिर से चूमने लगे। उसके होंठ मेरे होंठों पर कितने सही लग रहे थे जब हम एक दूसरे को किस कर रहे थे। हमारे आसपास की दुनिया धुंधली होती नजर आ रही थी जब हम एक दूसरे में खो गए थे। उसके साथ फिर से इतना अच्छा लग रहा था, मैं कितना सही महसूस कर रही थी। मेरे दिल का बड़ा छेद अब नहीं रहा था, कृष मेरे पास वापस आ गया था मेरे साथ, और मैं इससे अधिक कृतज्ञ नहीं हो सकती कि भगवान ने मुझे क्या दिया था, एक चमत्कार। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। इसके पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।